संत कबीर नगर में उस वक्त बड़ा हादसा हो गया जब एक अनियंत्रित बस ट्रक से टकरा गई। लखनऊ से केसरबाग डिपो से यात्रियों को लेकर गोरखपुर जा रही परिवहन निगम की बस संत कबीर नगर में गोरखपुर लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर दीघा के पास एक खड़ी ट्रक से टकरा गई। हाईवे पर हुए इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। घटना में आधा दर्जन यात्री घायल हो गए। घायल यात्रियों को उपचार के लिए जिला संयुक्त चिकित्सालय में पुलिस ने दाखिल कराया। तीनों मृतकों के शव को पीएम के लिए पोस्टमार्टम हाउस पर लेकर आई। घायलों का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। सूचना पर आनंद फानंद में पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी घटना स्थल पर पहुँच कर जायजा लिए, तो वहीं घायलों से स्थिति जानने के लिए जिला अस्पताल पहुँचे। पूरे मामले पर पुलिस अधीक्षक विजय सिंह ने बस चालक ड्राइवर की लापरवाही बताई और कार्रवाई की बात कही। बिहार के मधुबनी जिले के निवासी 25 वर्षीय ओम प्रकाश सीतापुर जिले के सिदौली के निवासी बस के परिचालक 53 वर्षीय शिव कुमार गौतम पुत्र स्वर्गीय तिलक राम की मौत हो गई। एक अन्य मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। इसके अलावा परिवहन निगम के बस चालक सीतापुर जनपद के बिस्वा निवासी 40 वर्षीय अशोक कुमार, शाहजहांपुर के काट गांव के निवासी राजीव, गाजीपुर जिले के इंदिरानगर के निवासी सौरभ गुप्ता, बिहार के मोतिहारी जिले के निवासी सुनील कुमार घायल हो गए। जानकारी दी गई यात्रियों से पूछा गया है। गाड़ी वहाँ से लखनऊ से जा रही थी, इस पर ड्राइवर अशोक कुमार चला रहे थे। पीछे ढाबे पर इन्होंने लोगों ने शायद चाय नाश्ता किया है। उसके बाद इन्होंने दूसरे ड्राइवर को गाड़ी दिया, बोनट पर बैठ गए जो उन्होंने बताया, और उसके बाद वो ड्राइवर लेके आ रहा था। ट्रेलर बगल में साइड में किनारे खड़ा हुआ था। अब चाहे वो असावधानी से गाड़ी चला के उसने गाड़ी लगी उसकी, या हो सकता है उसको नींद आ गई हो, उसमें गाड़ी लगी, उसमें ये हादसा हुआ। ये चार परिचालक को मिला के 2 यात्री, 1 परिचालक, 3 व्यक्ति है, 4 घायल हुए, जिसमें 3 नॉर्मल हैं, उनको फर्स्ट एड करा दिया गया है। ड्राइवर कोई चोट लगी है, अभी एक्सरे कराया गया है, शायद फ्रैक्चर है उसको। सर, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं? हमारे आरएम साहब अभी 10 मिनट के अंदर पहुंचने वाले हैं, गोरखपुर से आ गए हैं, पहुंच ही गए हैं। तो उनको घायलों को जो भी सुविधाएं होती हैं हमारी सरकारी दिलाई जाती है, वो सब दिलाई जाती है। सर, क्या देखिए, जो जानकारी मिली है मेरे द्वारा, घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था हॉस्पिटल में, बुझाते जिला अस्पताल में जो घायल थे उनसे भी बात किया गया था, जिसमें से घायल में से एक मुख्य ड्राइवर भी था। जो जनता से बात करने पे ये पता चला है कि लगभग बीती रात 11 बजे के आसपास कैसरबाग डिपो से लखनऊ से बस चली थी, और लगभग 4 और 4:15 के बीच में इसका एक्सीडेंट खलीलाबाद में सोनी होटल के पास हुआ है। ये भी पता चला कि मेन ड्राइवर ने लगभग 80 से 100 किलोमीटर तक पहले गाड़ी चलाया था, उसके बाद उसने फोर ड्राइवर को ही गाड़ी दे दिया था। एक ट्रक खड़ा था बिल्कुल किनारे, उसमें रोड से हट के बाएं साइड में आके इन्होंने टक्कर मार दी है। नींद में या कोई और दिक्कत होगी, हाई स्पीड होगी, जो भी कारण रहा होगा, उसके वजह से एक्सीडेंट हुआ है। जो चालक था उसी की प्रथम दृष्टया सबसे ज़्यादा गलती दिखाई दे गई है। मौके पर 3 लोगों की आमदे स्पॉट डेथ हो गई। कुल 6 लोग घायल थे, जिसमें से 2 हल्के फुल्के घायल थे, जिनको वहीं से वो चले गए, और 4 लोग जो घायल थे उनको जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जिनका उपचार चल रहा है, जिसमें मुख्य ड्राइवर भी है। जो 3 मृतक हैं इनमें से 2 की पहचान हो चुकी है, 1 की पहचान अभी नहीं हुई है। संबंध में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। मेरे द्वारा डीजी होम कंट्रोल से लेकर सभी जगह सूचना दे दी गई है। उसी क्रम में श्री राजशेखर जी IAS साहब का भी सुबह फ़ोन आया था, उन्होंने मुझसे बात किया था, तो वो अपने RM को भी यहाँ भेज रहे हैं, जो इस घटनाक्रम की जांच करेंगे, छानबीन करेंगे, जो उनको हमसे सहयोग चाहिए वो प्रदान करेंगे।